तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी मॉडल क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप प्लीज़ पूरी देखिएगा। हो सकता है जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ ये क्वेश्चन आपके कुछ आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों में रिपीट हुए हैं और मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि हिंदी संस्कार पुस्तक के लेखक हैं या कौन हैं। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे पीएच प्रभु, बी नंबर कौटिल्य, सी नंबर गुरुवे और डी नंबर है राजबली पांडे। तो जिन स्टूडेंट को राइट में आंसर मालूम बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक राजबली पांडे जी हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे बेशक उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये है कि जिस संस्कार को पूर्ण रूप करने के साथ ब्रह्मचार्य आश्रम समाप्त हो सकता है, जिस संस्कार को पूर्ण करने के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो सकता है वो है। तो नंबर है गोदान संस्कार, बी नंबर विवाह संस्कार और सी नंबर है समावर्तन संस्कार, डी नंबर है उपनयन संस्कार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, समावर्तन संस्कार, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं हम। क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, पहले हाईलाइट कर दूं, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हरित धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो हरित धर्म के सूत्र के अनुसार संस्कारों को जो डिवाइड किया है या विभाजित किया गया है दो भागों में किया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, दो। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये कि संस्कार हुआ है जिसके करने से कोई पदार्थ उपयोगी बन जाता है, ये कथन किसका है या किसका कथन है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जैमिनी, बी नंबर है धर्मशास्त्र, सी नंबर मनुस्मृति और डी नंबर महाभारत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जैमिनी, ठीक है, जैमिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हिंदू संस्कार की अभिव्यक्त नहीं है। निम्न में से कौन हिंदू संस्कार की अभिव्यक्त नहीं है। ऑप्शन मिल जाएंगे जात कर्म संस्कार, बी नंबर समावर्तन, सी नंबर उत्थापन संस्कार और डी नंबर कर्णवेद संस्कार। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, उत्पन्न, ठीक है, उत्थापन संस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हिंदू संस्कारों का एक प्रमुख उद्देश्य है। नंबर एक पंचरणों को पूरा करना, बी नंबर व्यक्ति का सामाजिक धार्मिक परिष्कार करना और सी नंबर शत्रुओं से व्यक्ति की रक्षा करना और डी नंबर है व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने में सहायता देना। तो निम्न में से जो हिंदू संस्कार का एक प्रमुख उद्देश्य है वो है व्यक्ति का सामाजिक धार्मिक परिष्कार करना। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या क्या है। ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं 50, 40, 45 और 16। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 40। गौतम धर्मसूत्र संस्कारों की जो संख्या है वो है 40, बी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जिस संस्कार के पश्चात व्यक्ति एक लौकिक जीवन समाप्त हो जाता है उसे कहा जाता है। नंबर एक पुंसवन संस्कार, बी नंबर है अंत्येष्ट संस्कार और सी नंबर है निष्क्रमण संस्कार और डी नंबर है किसांत संस्कार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, अंत्येष्ट संस्कार, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि राजबली पांडे की पुस्तक का नाम है या राजबली पांडे की पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन मिल जाएंगे संस्कार प्रकाश, बी नंबर हिंदू संस्कार, सी नंबर संस्कार और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन अभी आपको ऊपर देखने को मिला था, ठीक है, कि हिंदू संस्कार किसकी पुस्तक है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा हो रहा है कि राजबली पांडे की पुस्तक कौन है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक हैं, ठीक है, आंसर दोनों का एक ही है, बट थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। यहाँ पर पहले लेखक का नाम लिख दिया गया है, उसके बाद पुस्तक का नाम लिखा गया है, और वहाँ पर पहले पुस्तक का नाम था, उसके बाद लेखक का नाम था, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत करिएगा, आप लोग सही से आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
हिंदू संस्कार, बी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह संस्कार जिसे पूर्ण करने के बाद व्यक्ति द्विज हो जाता है कहा जाता है, नंबर एक चूड़ाकरण संस्कार, बी नंबर है उपनयन संस्कार, सी नंबर है नामकरण संस्कार और डी नंबर है जात कर्म संस्कार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, उपनयन संस्कार बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार विधि पुस्तक के लेखक कौन है, नंबर एक दुर्खीम, बी नंबर वेवर, सी नंबर राजबली पांडे और सी नंबर दयानंद सरस्वती। तो संस्कार विधि पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्या आरंभ से लेकर समावर्तन तक के संस्कार को क्या कहा जाता है, नंबर एक उपनयन, बी नंबर बाल्यावस्था, सी नंबर शैक्षिक जीवन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस संस्कार को हम कहते हैं या कहा जाता है शैक्षिक जीवन, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन मिल जा रहे हैं काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ। राइट आंसर आपको मालूम ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मोक्ष, तो सात का अंतिम जो लक्ष्य है वो है मोक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि मोक्ष मानव जीवन का परम लक्ष्य है, किसका कथन है। ठीक है, यहाँ पर जिसका कथन हो गया, टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया है। ठीक है, किसका कथन है, नंबर एक वेवर का, बी नंबर राधा कृष्णन का, सी नंबर कपटिया का और डी नंबर दुर्खीम का। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर कपटिया का। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना जाता है, तो ऑप्शन मिल जाएंगे क्षमा भाव, बी नंबर ज्ञान का संचय, सी नंबर आचरण की शुद्धता और डी नंबर है सामूहिकता। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचरण की शुद्धता, सी नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि धर्म अर्थ तथा काम की समन्वित व्यवस्था का नाम है, यहाँ पर थोड़ा काम, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, या कर्म, दोनों की चीज़ें वहाँ पर कम हो गया, टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया। ठीक है, कर्म या काम की, ठीक है, तो समन्वित व्यवस्था का नाम है, नंबर एक गृहस्थ धर्म, बी नंबर है ऋणत्रय और सी नंबर प्रसाद और डी नंबर है त्रिवर्ग। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिवर्ग, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि चारों पुरुषार्थ में सामाजिक दृष्टि से कौन सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन है अर्थ, कर्म, मोक्ष, धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली क्वेश्चन है, आपको ये जानना वैसे भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मोक्ष। ठीक है, मोक्ष सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत भारतीय समाज में अर्थ के पुरुषार्थ की अनुभूति किस आश्रम में दी गई, नंबर एक गृहस्थ में, बी नंबर ब्रह्मचर्य में और सी नंबर है वानप्रस्थ में और डी नंबर है संन्यास में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गृहस्थ में। ठीक है, ए नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के उपार्जन, संग्रह और व्यय को भारतीय संस्कृति ने मनुष्य के किस पुरुषार्थ में स्थान दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा संस्कृत होना चाहिए, वो नीचे संस्कृत वाला क्रा लग जाना चाहिए, ठीक है, नहीं लगा उसे हम माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अर्थ के उपार्जन, संग्रह और व्यय को भारतीय संस्कृति के अनुसार की किस पुरुषार्थ में स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, बी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति की सबसे प्रमुख पुरुषार्थ है, तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंतिक, ठीक है, निवृत्ति की सबसे प्रमुख पुरुषार्थ है, ऑप्शन हो जाएगा रामायण, सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन और सी नंबर है महाभारत और डी नंबर है मनोस्मृति। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है ऐसा कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, सांख्य दर्शन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सांख्य दर्शन। तो आज की इस वीडियो में बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन, और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपने वेबसाइट पर डाल दिए हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उस पर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज़ विजिट जरूर करिएगा वेबसाइट पर। और हाँ, जिन स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं।
तो जो स्टूडेंट पहली बार आए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर वीडियो में मैंने कोई एक दो वर्ड अगर मिस हुए हुए हैं तो उसके लिए क्वेश्चन के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ा बहुत एक दो वर्ड बोलने में आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।